पंद्रहवीं शबान की रात शबे बरात कहलाती है। इस रात अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है। इस हवाले से मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। या रब मैं गुनाहगार हूँ, तौबा कबूल हो, इसियां पे शर्मसार हूँ, तौबा कबूल हो। शब फारसी जबान का लफ्ज है जिसके मायने रात के, और बारात अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने आज़ादी। इस रात को शब बारात इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला बनुए कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों की जहन्नम से निजात फरमाता है। तमाम उम्र मेरी लहव औलाद में नेकी नहीं है कोई अमल की किताब में, सौले अमल भी कोई नहीं है हिसाब में, दस्ते दुआ बुलंद है तेरी जनाब में। शबान की शब 14 बरात यानी लैलतुल बरात कहलाती है। इस रात को चार नामों से भी पुकारा जाता है, लैलतुल मुबारका, लैलतुल बरात, लैलतुल ज़िक्र और लैलतुल रहमत। इस रात की पांच बड़ी खसूसियात भी बयान की जाती है। नंबर एक, हर फैसला शुदा मामले की तकसीम। नंबर दो, इस रात इबादत की फजीलत। नंबर तीन, रहमत का नजूल। नंबर चार, नबी को इस रात शफात से नवाजा गया। और नंबर पाँच, जाहिरी तौर पर इस रात जमजम का पानी भी बढ़ जाता है। शब बरात की फजीलत के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान की पंद्रहवीं शब को अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाजे रहमत के खोल देता है। इसी शब के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब शाबान की पंद्रहवीं रात आए तो तुम रात को क़याम करो यानी नवाफिल पढ़ो और दिन को रोजा रखो। शाबान की 14 और 15वीं शब को तमाम मसाजिद और घरों में इबादत का अहतमाम किया जाता है। इस शब नमाज मगरिब से वक्त फजर तक तमाम मुसलमान सजदा रेज होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह ताला की खास रहमत और बरकत के तलबगार होते हैं, और इस रात अपने प्यारों के कबूर पर जाकर फातिहा ख्वानी करते हैं और उनकी मगफिरत की भी दुआ करते हैं।